एक राजा और पत्थर की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा अपनी प्रजा की परीक्षा लेने की सोचता है, जिसके लिए वो अपने राज्य के मुख्य रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रख देता है। वो पत्थर के नीचे सोने के मोहरों की एक थैली भी रख देता है। पत्थर को रास्ते में रखने के बाद वो छुप कर देखने लगता है कि कौन इस पत्थर को हटाता है। कुछ देर बाद कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और रास्ते में उस बड़े पत्थर को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। फिर कुछ देर बाद राजा के दरबार के कुछ मंत्री उस रास्ते पर आते हैं और रास्ते में पड़े उस पत्थर को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि राजा अपने राज्य का ध्यान अच्छे से नहीं रखता, उसके राज्य के रास्तों में इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। उनकी सारी बातें राजा छुपकर सुन रहा होता है। वो मंत्री भी बिना पत्थर को हटाए वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक सब्जी वाला आता है, जिसके पास सब्जियाँ होती हैं। वो रास्ते में पड़े पत्थर को देखकर अपनी सब्जियों को नीचे रखकर उस पत्थर को हटाने लगता है। काफ़ी मेहनत के बाद वो उस पत्थर को हटा देता है। पत्थर के नीचे उसे मोहरों की थैली मिलती है और साथ में एक चिट्ठी मिलती, जिसमें लिखा होता है कि ये मोहरे पत्थर हटाने वालों के नाम राजा की तरफ से। वो सब्जी वाला बहुत खुश होता है। राजा ये सब देख रहा होता है। वो सब्जी वाले से आकर मिलता है और इस काम के लिए शाबाशी देता है तथा उस सब्जी वाले को अपने दरबार में एक खास पद पर नियुक्त भी करता है। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें हमें आगे बढ़ने का एक मौका देती है, इसलिए हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और उनका सामना करना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी में सफल बन पाएंगे।